रेस्पेक्टेड ऑडियंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मॉनिटरिंग, पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग, टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग, की प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग। इंतहाई आसान इंग्लिश और उर्दू जुबान में करेंगे, आपको इजीली टॉपिक की समझ आ जाएगी। मॉनिटरिंग के वर्ड से आपको याद तो आता होगा अपना स्टूडेंट लाइफ का ज़माना, जब आप स्कूल में थे और एक मॉनिटर बना दिया जाता था क्लास का, तो आपको उससे थोड़ा याद आता होगा कि वो मॉनिटर क्या काम करता था। मॉनिटर का क्या काम होता था, टीचर ने कहीं काम जाना है या थोड़ा सा 5 मिनट लेट आना है या 5 मिनट जल्दी क्लास से चले जाना है, तो वो मॉनिटर को खड़ा कर देते थे, या टीचर्स की मीटिंग होती थी तो हर क्लास में जो मॉनिटर बनाए होते थे उनको खड़ा कर देते थे। और बारी बारी तकरीबन सबको मौका दिया जाता था मॉनिटर बनने का, और तकरीबन ज़्यादातर लायक बच्चे जो है वो क्लास के मॉनिटर बना दिए जाते थे। तो वो मॉनिटर खड़ा होकर क्लास में क्या करता था, ज़रा सोचिए आप स्टूडेंट लाइफ को। स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलो को चुप कराता था, बाहर नहीं जाने देना, और उनका काम जो है वो चेक करना, जो टीचर कह के गया होगा कि ये काम आपने इनका चेक करना है, तो हैंडल पूरा एक टीचर की तरह क्लास को करके रखता था। ये वो मॉनिटर था जो हमारी स्टूडेंट लाइफ का, स्कूल कॉलेज का मॉनिटर था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉनिटरिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो निगरानी के होते हैं। अब मॉनिटरिंग होती क्या है, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग, ठीक है। एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। अगर हम मॉनिटरिंग की बकायदा डेफिनेशन देखें तो वो है अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी। किसी भी डेवलपमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को वेरीफाई करने का सिस्टमैटिक प्रोसेस मॉनिटरिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं कि मेन पर्पस मॉनिटरिंग का क्या होता है। पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग क्या है जी, मेन पर्पस, The purpose of monitoring is to provide regular, timely feedback on the implementation of a program or project. ठीक हो गया। मेन जो पर्पस है मॉनिटरिंग का वो रेगुलरली टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की। Identify areas that requires improvement and make judgment to ensure that the intended outcome achieved. Monitoring का purpose, मकसद क्या है कि identify करना है उन areas को जहाँ पर improvement की ज़रूरत है, किसी भी कंपनी में, किसी भी project में, program में, school में, hospital में, bank में, अगर किसी भी जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए टीम को भेज दिया जाता है कि भाई मॉनिटर करें और चेक करें कि कहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव वीकनेस रह गई हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक हो गया जी। अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग। अब हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग निगरानी की इम्पोर्टेंस क्या है। It helps to identify any potential issues, tracks progress and measure outcome. ठीक हो गया जी। किसी भी potential issue को identify करने के लिए monitoring help करता है, किसी program में और outcomes को measure करना है तो फिर monitoring की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ मॉनिटरिंग कौन कौन से हैं। की प्रिंसिपल्स ऑफ मॉनिटरिंग, फर्स्ट वन है जी स्टेक होल्डर्स, नेक्स्ट है जी पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है जी रेलिवेंस, नेक्स्ट है एफिशिएंसी, नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। These are all keys principle of monitoring. Next हमारा टॉपिक है जी कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स मीन होता है अज्जा। अब कौन कौन से मॉनिटरिंग के अज्जा है ये हम देखते हैं। अ मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ फोर मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से फोर मेन कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, सेकंड एनालिसिस, थर्ड वन एक्शन एंड फोर्थ स्टोरेज। फोर मेन कंपोनेंट्स हैं, अज्जा है मॉनिटरिंग के, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्शन एंड स्टोरेज। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। फर्स्ट वन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, सेकंड प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड थर्ड वन इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। ये था जी मॉनिटरिंग का टॉपिक जो हमने इन डिटेल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट की समझ आई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।